मोदी साहब ने जो देश के गोरक्ष के खिलाफ बयान दिता वो सरासर बिल्कुल गलत है। उन्होंने नाल ही एक तो 80% जिहड़ा उन्होंने कहा गलत है। हर किसी पार्टी गलत आंसर होंगे, इन्होंने पार्टी के भी हैं, होर पार्टियों के भी हैं। गौ रक्षा करने वाले भी एक अद्धा % कोई हो सकता है, पर अज तक सामने नहीं आया। पर जिहड़ा 80% लोगों ने कहा, क्योंकि देश 100 करोड़ हिंदू है और सारे हिंदू गौ रक्षक हैं, अगर 80 करोड़ हिंदुओं ये लोग गलत कहेंगे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, देश तो माफ़ी मांगनी चाहिए है। दूसरे पास इन्होंने यह जिहड़ा बयान है राजनीति तो प्रेरित होकर दिया एक वर्ग को खुश करने वास्ते। जे मोदी साहब ने कोई बयान देना सी तो उन्होंने चेतावनी किसानों को भी चेतावनी देनी सी, जिहड़े गौं कट्टण वास्ते लेके जाते हैं उन्होंने भी रोकण वास्ते उन्होंने चेतावनी देनी चाहिए सी। इस नाल किसानों के हौसले बुलंद होणगे, जिस नाल गऊ तस्करी गऊ हत्या वधेगी देश च। इहदे नाल मैं समझदा मोदी साहब अगर गौं नूं कटवा के अपनी राजनीति करना चाहते हैं, वोटां लैना चाहते हैं, तो वह किसी भी कीमत पर उन्होंने लोग समझते हैं, सारा कुछ हिंदू लोग सारे देख रहे हैं। तो जो हिंदुओं वास्ते इन्होंने जो सब तो पहला इन्होंने अपने एजेंडे के अंदर एक एजेंडा रखा सी गाय मोदी को मतदान गाय को जीवनदान, ये इनका एजेंडे में था। ये जो अब सामने ये बयान दे करके इनकी मंशा सामने आ चुकी है और लोग समझ चुके हैं। मोदी साहब को जल्द माफ़ी मांग लेनी चाहिए देश की जनता से, नहीं आने वाले समय में जनता देश की जनता इनको जवाब देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों की सरकारों से भी बोला था कि वो गौ रक्षक जो है उनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई करें। हाँ, ये भी जो मोदी साहब ने कहा है, मोदी साहब ने ये कहा था जो गलत आंसर है जो फर्जी है, पर मेरे ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया। जो हमारा संगठन है रजिस्टर्ड संगठन है, 30 साल से मैं गौ रक्षा कर रहा हूँ और देश में सबसे ज़्यादा पर्चे गौ तस्करों के खिलाफ मेरी तरफ से हैं। पंजाब में ही तकरीबन 1000 के करीब पर्चा होगा, हजारों पर्चे मेरे दल की तरफ से हैं। अगर हमें फर्जी कहता है तो देश में असली गौ रक्षक कौन है ये सामने लाना होगा। जो आपके खिलाफ पर्चा दर्ज किया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को ऐसे फर्जी पर्चियों की कोई परवाह नहीं है, हम गौ रक्षा करना किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कल भी कहा था अगर मोदी साहब मेरे से गौ रक्षा छुड़वाना चाहते हैं तो मुझे अंदर कर दें, तब मैं गौ रक्षा करनी छोड़ सकता हूँ। जितनी देर मैं बाहर रहूँगा किसी भी कीमत पे गायें को कत्ल खाने नहीं जाने दूंगा। पर मोदी साहब नहीं चाहते गौ रक्षा हो, उन्होंने मेरे ऊपर केस फाइल करवाया है, तो गौ रक्षा जो है ये सदियों से ये हमारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण से चलती आई है, तो 5000 साल से लोग गौ रक्षा करते आ रहे हैं। ये भगवान का संदेश है, भगवान सबसे बड़े दुनिया के गौ रक्षक थे। अगर ये हमें असामाजिक तत्व बोलते हैं, हमें गुंडे बोलते हैं, तो इससे साबित होता है इन लोगों का जो गाय के नाम पर वोट लेते हैं भगवान के प्रति क्या इनका नजरिया है। भगवान भी मेरे से पहले भगवान सबसे बड़े गौ रक्षक हैं, उन्होंने भी कसाइयों को कसाइयों से गाय बचाई है, जितने भी आतताई जो भी राक्षस थे उस समय के गाय को मारने के लिए लेके जाते थे उनसे गाय को बचाया है, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी है। तो हम भी उनके पद चिन्हों पर चलते गौ माता की रक्षा कर रहे हैं। जो मार पिटाई का काम है, कसाई की पिटाई है, जो मोदी साहब को कसाई की पिटाई का दर्द हुआ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे साफ जाहिर होता है इनकी मंशा का, इनको कभी भी किसी गौ रक्षक की, दर्जनों गौ रक्षक इस लड़ाई में मारे जा चुके हैं, उनके बारे में कभी इन्होंने 2 शब्द नहीं किए। तो ये बहुत ही एक शर्म की बात है कसाई को खुश करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गौ हत्या कर सके। ये गौ हत्या के पैसे से देश को चलाना चाहते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो आप पर पर्चे हो उसके खिलाफ क्या आप कोर्ट में जाएंगे, क्या करेंगे? अभी मेरी टीम यहाँ पर इकट्ठी हो रही है, जैसा भी होगा मुझे मैं खुद पुलिस के पास पेश होकर के अपनी अरेस्ट डलवाऊंगा। मुझे कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पर्चा किया फर्जी किया 10 साल पुरानी कोई वीडियो है जिसमें मैं है भी नहीं हूँ, तो फिर भी मेरे खिलाफ़ पर्चा कर दिया, तो इसका हम बैठ के मीटिंग में तय करेंगे क्या करना है।